तीन आते हैं, तीन नहीं आते मुझे, और वो तीन क्वेश्चन को करके आ जाता है। प्लीज पार्ट सी नहीं करना, वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, क्योंकि बी और सी में चॉइस होती है। मैं क्यों बता रहा हूँ, बहुत सिंपल बात है, बट दुख होता है जब उन 100 में से दो बच्चे ऐसी गलती करके आते हैं। ये पॉइंट सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए है। नेक्स्ट, कैजुअल अप्रोच इन राइटिंग थ्योरी क्वेश्चन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे साल टीचर बोल बोल के थक जाते हैं, बेटा थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो, और हम सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है थ्योरी में, कौन से क्वेश्चन आने हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बेटा क्या आपको पता है कितने थ्योरी के क्वेश्चन आने हैं? ओके, वन मार्क का कितने क्वेश्चन आने हैं? ये बताइए मुझे। फाइन, ओके, कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया, और जिनको नहीं है गेस मार रहे हैं। वन मार्कर के टोटल 8 क्वेश्चन आने हैं, यानी ये 8 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थ्योरी अच्छी लगी तो लिखी, आपने अच्छा लिखा तो एग्जामिनर पे यू विल क्रिएट अ पॉजिटिव इंपैक्ट, एंड द एग्जामिनर वुड नो कि यस, इस बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी है, एंड दे विल गिव यू वेरी गुड मार्क्स इन प्रैक्टिकल पोर्शंस आल्सो। तो प्लीज थ्योरी से आप इंप्रेशन बना सकते हैं, ताकि एग्जामिनर बहुत ज्यादा ध्यान रखे कि बच्चा बहुत अच्छा है, और जहां मार्क्स बच सके वो आपको पूरा ध्यान रखेगा आपके लिए। तो प्लीज थ्योरी का ध्यान रखिए। कई बच्चे, मैंने क्यों कहा कैजुअल अप्रोच, कई बच्चे पूरे साल थ्योरी नहीं पढ़ते और बोर्ड में जाके ना एग्जाम में वहीं के वहीं थ्योरी लिख के आते हैं, और लिखने के बाद ना बहुत खुश होते हैं। देखो मैम और सर बोलते रहे साल भर और थ्योरी हमने नहीं करी, बट देखो हमने थ्योरी यहाँ लिख ली, बहुत खुश होते हैं। देखो कितना ऐसी ऑडेसिटी कि वो लिखने के बाद बहुत खुश होते, देखते हैं वाओ कितना अच्छा लिखा है। और पता है वो आंसर कौन से होते हैं? वो मैगी 2 मिनट्स इंस्टेंट मैगी की तरह होते हैं, वहीं के वहीं ताजा आंसर बनाए हुए होते हैं, और फिर वो खुश होते हैं, वाओ देखो हमने थ्योरी कर ली, और मैम ऐसे ही बोलते रहे, सर ऐसे ही बोलते रहे। और कई बार तो दुख होता है कि आंसर गलत होता है, हम रॉन्ग भी कर देते हैं, और फिर वही बच्चे कहते हैं चेकिंग बड़ी टाइट थी, बहुत टाइट चेकिंग कर दी मैम या सर ने। एग्जाम्पल लेता हूँ, एक बार क्वेश्चन आया, व्हाट डू यू मीन बाय स्लीपिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चा जो जिल की तरह था, जिसे थ्योरी साल भर नहीं पढ़ी थी, वो जिल वाला बच्चा क्या करके आया, व्हाट डू यू मीन बाय स्लीपिंग पार्टनर, लिख के आया द पार्टनर हु स्लीप्स ड्यूरिंग बिजनेस आवर, द पार्टनर हु स्लीप्स ड्यूरिंग बिजनेस आवर, द पार्टनर हु फील्स लेजी इज नोन एज अ स्लीपिंग पार्टनर। अब आप बताइए उसको हम कितने मार्क्स दें इस क्वेश्चन पे। तो आपको ध्यान रखना है बच्चे इस बात का कि थ्योरी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और थ्योरी हम कैसा एक्सपेक्ट करते हैं, मैं उसका छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। बेटा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, डिफाइन गुडविल, फाइन, बट इस डिफाइन गुडविल के अंदर आप ये नहीं बताएंगे कि रेपुटेशन वर्ड नहीं बोलेंगे या इंटेंजिबल एसेट नहीं बोलेंगे, इसके अलावा आप बताएंगे व्हाट इज डिफाइंड गुडविल। फाइन, तो बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को वन में से वन मार्क देने के लिए। मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा आपसे बेटा डिफाइंड गुडविल, कि अकॉर्डिंग टू लॉर्ड एल्डन गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस, जो मैथ्स में आपका फेवरेट चैप्टर है, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर वुड रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस, यानी पुराना कस्टमर जब बार बार पुरानी जगह पे विजिट करने लग जाए, इट इज नोन एज गुडविल। ये है वन में से वन डेफिनेशन। इसके बाद आप देख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स गुडविल इज द रेपुटेशन एंजॉयड बाय अ फर्म व्हिच एनेबल्स इट टू अर्न सुपर प्रॉफिट एंड इट इज एन इनटैंजिबल एसेट। बाद में ऐड कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आपको वो पंच लाइन लिखनी है, वो जिसपे एग्जामिनर पे इंप्रेशन क्रिएट हो, वाओ क्या बच्चा है ये, गॉट इट। सो थ्योरी का रोल इंपॉर्टेंट है। देन स्किप, कई बच्चे वर्किंग नोट्स को स्किप कर जाते हैं। अभी वर्किंग नोट्स में क्या, कुछ तो कई बार तो मार्क्स होते हैं, कई बार नहीं होते, तो मैं तो कहूंगा बेटा सबके वर्किंग नोट्स को ना साफ साफ बना के आओ, स्क्रिबल मत करो। फॉर एग्जाम्पल कैश में प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट है, या मशीनरी अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो इसके मार्क्स होंगे। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज आपको लगता है, डेथ के केस में कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, कैलकुलेशन ऑफ आईओडी, डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब आप साफ साफ वर्किंग नोट्स बना के आओ, इसके अलग से मार्क्स होंगे। तो प्लीज आप वर्किंग नोट्स जरूर बनाओ। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लॉट ऑफ सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक, ये बच्चों का फेवरेट मिस्टेक होती है कि सर बहुत गलतियां होती है टोटलिंग करते टाइम। इसका मेरा अलग से वीडियो आ रहा है, कैसे, हाउ टू अवॉइड योर कैलकुलेशन मिस्टेक्स, टोटलिंग कैसे करनी चाहिए, किस तरह से आपको मिस्टेक अवॉइड करनी है, वो मेरा अलग से वीडियो आएगा। तो अभी ये कहना चाहूंगा कि बेटा सिली मिस्टेक अवॉइड करने के लिए कहूंगा, बोल बोल के टोटलिंग करो, लिख लिख के करो, छोटे छोटे ब्रेकअप करके टोटलिंग करो, तो गलतियां नहीं होंगी। तो आई होप अगर ये 10 पॉइंट्स हम कर लेते हैं तो हम एग्जामिनेशन सेंटर से निकल के आएंगे इस जैक की तरह, ओके। और अगर हमने अगर नहीं मानी बातें तो हमारा क्या होगा, ऐसे 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 हम निकलेंगे, और ऐसा बच्चा मेरा कोई भी नहीं होता, आज तक हुआ ही नहीं, अगर उसने ये सारे पॉइंट्स फॉलो किए हों। तो कितने बच्चे प्रॉमिस करेंगे, हाथ खड़ा करके बताएंगे कि यस हम ये 10 के 10 पॉइंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, एंड दे विल टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, प्रॉमिस करेंगे 10 के 10 जो पॉइंट्स आप फॉलो करेंगे, और कमेंट बॉक्स में लिखा होना चाहिए जो भी प्रॉमिस करेगा, फाइन। और आने वाले जो मैंने पिछली जो वीडियोस ऑलरेडी डाली हुई है उसको आप देखते रहिए, और अगली वीडियोस जो भी आपको लगता है, मुझे कैश फ्लो की वीडियो की भी काफी रिक्वेस्ट आए हैं बच्चे, वो प्रोसेस में है, वो भी आपको मिलेगी वीडियो, और भी कोई आपको लगता होगा तो आप मुझे जरूर शेयर कीजिएगा, टाइम बहुत कम है, और इफ टाइम परमिट्स आई विल जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट फ्रॉम माय साइड, हम आपको देते रहेंगे। बट आपने एक बात प्रॉमिस करनी है,
आप इन 4-5 दिनों को बहुत अच्छे से यूज कीजिए और जो ऑलरेडी कर चुके हैं पूरे साल उसी की प्रैक्टिस कीजिए, कुछ नए के चक्कर में ना जाइए। कुछ बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे क्या कहते हैं, मैम मैंने ये बुक भी कर लिया, ये बुक भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब मैं क्या करूं। अब जो बचा है वो आउट ऑफ कोर्स बचा है बच्चे, जितना करना था जितना मैम ने आपकी तैयारी कराई है बहुत अच्छी, जो सर ने आपको पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, वो सारा उसी में से आना है। अपने रजिस्टर को ध्यान से पढ़ो, अपने टेस्ट पेपर असाइनमेंट्स को ध्यान से पढ़ो, उनको निकालो और एक हाईलाइटर लो और जो जो टेस्ट पेपर में आपने मिस्टेक कर चुके हैं ऑलरेडी उन मेक्स को हाईलाइट करो, उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस करो और मिस्टेक्स को ओवरकम करो। मैं हमेशा कहता हूं बेटा एक कोट कि मिस्टेक्स व्हेन हैपन दे आर क्वाइट एंबैरेसिंग बट व्हेन यू हैव अ कलेक्शन ऑफ मिस्टेक इट इज नोन एज एक्सपीरियंस, सो लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस बेटा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एक्सपीरियंस, शेयर कीजिए अपना भी एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ आपका इन दिनों में वो भी बताइएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा कि जो एक एक मिनट बोर्ड का है वो जिंदगी भर आपको याद रहेगा, वो 180 मिनट आपको हमेशा याद रहेंगे। तो कहना चाहूंगा इस वीडियो को खत्म करने से पहले बेटा, उन 180 मिनट में, उन इस 180 मिनट में आप सिर्फ अपने मिनटों का ध्यान रखिए, आप सिर्फ अपने मिनटों का ध्यान रखिए, मिनट्स का ध्यान रखिए, घंटे यानी आवर्स अपने खुद ध्यान रख लेंगे। तो इंग्लिश में Take care of your minutes and the hours will take care themselves. दोबारा बोलूंगा, उन 180 minutes में take care of your minutes and the hours will take care themselves. So बच्चे, all the best, best wishes. मैं डॉक्टर विकास विजय, ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार आपको देता हूँ। और ये जो सफर रहा बहुत अच्छा सफर रहा, वीडियोज के थ्रू बहुत प्यार मिला ऑल ओवर इंडिया से, जितने भी मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज मैसेजर्स पे और आपके कमेंट सेक्शन में आ रहा है, बहुत आपने मुझे इतना, कई जगह तो मैं बहुत इमोशनल हो गया आपके इतने प्यार भरे मैसेज पढ़ के, तो रियली थैंक्स अ लॉट। और कहीं कोई कमी रही हो, कोई मेरे बोलने में कमी रही हो, कोई समझाने में, या कोई बात किसी को किसी भी तरह से बुरी लगी हो, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा, किसी की फीलिंग को भी हर्ट किया हो। और जिनको पसंद नहीं भी आया वीडियो उनसे भी कहूंगा कि मैं अकाउंटेंसी का एक लर्नर हूं, सीख रहा हूं, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, मेरी बात बुरी लगी, तो मैं आपसे सॉरी बोलता हूं। तो बच्चों बाय बाय, ऑल द बेस्ट, डू वेल इन बोर्ड एग्जाम्स। और एक टीचर्स और एक पेरेंट्स दो लोग होते हैं जो बहुत खुश होते हैं आपकी परफॉर्मेंस को लेके, और मैं भी बहुत खुश होऊंगा जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे इस बोर्ड एग्जाम में। तो अपने पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और मेरे लिए, जस्ट से प्रॉमिस टू योरसेल्फ, आई हैव टू डू गुड इन बोर्ड एग्जाम्स। तो ये बच्चों आज की वीडियो के लिए, अगले वीडियो के लिए आपको मैं इंटीमेट करूंगा। और अगर आपने ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अकाउंट्स गुरु टीएम, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस, एंड गो एंड एंजॉय द एग्जाम। बाय बाय।